से कैसी चीज़ें? देखो, मुझे मौला हुसैन के रोज़े पे ये फीलिंग आई कि कोई अंदर है जरी में जो बहुत सुकून में है, उसे सुकून मिल गया है। और मौला अब्बास के रोज़े पे तो ऐसा था मेरे साथ कि एक दोस्ती नहीं होती है, एक क्योंकि मैं बहुत याद करती हूँ उनसे और उनके हवाले से बहुत दुआएं भी करती हूँ, और मैंने जहाँ जो भी दुआ वहाँ की है वो बिल्कुल ऐसे मेरी पूरी हुई है। सपोज़ कि मैंने सोचा था कि मैं अपना घर डिमोलिश करूँगी और मैं इसको नया बनाऊँगी, तो मैं वहाँ दुआ कर रही थी कि आसानियों के साथ अल्लाह बनवा दे मौला के सदक़े में। तो मैंने आँखें बंद की तो एक टेरेस मेरे नज़र के सामने से गुजरा, उसमें स्पॉट लाइट्स लगी हुई थी और एक ग्रे सा कलर हुआ हुआ था, और उसका फसाद जो था वो एक कट से था इस तरह से, जो मेरा घर उस वक्त ऐसा नहीं था। सो मैंने आँखें खोली और मैंने समझ लिया कि मेरा घर बन जाएगा, डिमोलिश करके जब मैं बनाऊंगी तो बन जाएगा। अब मैं उसमें लग गई, आ गई, मैंने घर भी बन गया, सब कुछ हो गया, और मैं बहुत बिजी रही अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैं वॉक कर रही थी अपने गैराज में, तो उस वक्त मैंने अपने घर को थोड़ा गौर से देखना शुरू किया। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये छत, ये स्पॉट लाइट्स और ये कलर मैंने कहाँ देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने देखा कहाँ है ये। फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ तो ये तो मौला अब्बास के रोज़े पे देखा था मैंने। लिटरली वो घर जब मुझे आर्किटेक्ट ने दिया कि आप बताएं कौन सा फसाद आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चार पांच बना के देते हैं वो, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप ये बना दें, विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने कोई एक विजन आया था मुझे, मुझे याद भी नहीं था वो विजन, और मैंने उसको ओके कर दिया और वो बन गया। सोचो डेढ़ साल के बाद मैंने कही तो मैंने मौला पास के रोज़े पे। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। तो ये जरा मैं बताएं, ये जो जिसको हम कहते हैं मिशी भी कहते हैं, अरबईन वॉक भी कहते हैं, और जिसको एक्सट्रीम सफर इश्क कहते हैं, जरा आपने इसको कैसे देखा ये बताएं। अरबईन देखिए, करबला का अशूर अलग है, हाँ। करबला आम जिंदगी में अलग है, मखसूसी अलग होती है। जब आप जब मिश्री करते हैं ना चहलुम की, जब आप मौला अली के रोजे से लेके मौला अब्बास के रोजे तक पोल बने हुए हैं, आप उन पोल्स के आप उसी रो में वादी सलाम से होते हुए जाते हैं, वहाँ करोड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, और हर साल एक नया रिकॉर्ड मौला हुसैन ने वो जमीन खरीदी थी और वहाँ के लोगों से कहा था कि जो मेरे चाहने वाले आए तो उनकी खिदमत करना। तो वो अपने घरों को खाली कर देते हैं, उनको मौकअप बनाते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह के लोग मुल्क के मौकअप बने होते हैं, आप यू नेम इट, और उस मुल्क के मौकअप वहाँ मौजूद होते हैं। और वहाँ वो आप सिर्फ अपनी एक जोड़ी कपड़ा चप्पल में जाएं और आप तीन दिन की वॉक करें, आपको जिंदगी की जरूरियात की कोई चीज अगर वहां ना मिले तो आप मजे कर यू आप सोचें और वो ना हो ऐसा और वो नहीं चीज मिल जाए। हाँ, आपको वो चीजें जो आप सोचें और वो ना हो ऐसा मौसम की और चीजें मिल जी एग्जैक्टली। और फिर वहां पर जो वहां के मुकामी होते हैं, जो और लोग भी जाते हैं, वो आपके पैरों में पड़ जाते हैं कि आप एक खजूर खा लें, आप खिदमत आप पैर दबा दें, और इवन कि कफन बिछाए हुए होते हैं उससे कहते हैं कि इस पे चल जाएं ताकि हम आखिरी में मौला को कह सकें कि आपके जाहिर मेरे पास आया था। और वहाँ घरों में लोग होते हैं और लोग आपके हाथ पैर जोड़ उनकी जो खवातीन होती है। अब आपको सोचें, आप पैसे खर्च करेंगे, मैं इसे बाद से काट रही हूँ, मैं आपको एक मिसाल आपको देती हूँ कि करबला में आप इराक जाना, वहाँ पे चीनी बहुत महंगी है। अच्छा, उनका ट्रेडिशन है उनकी चाय, उनकी चाय चीनी के बगैर नहीं पी जा सकती, वो चीनी के बगैर नहीं पी जा सकती। तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, वो सारा साल अपने वो पैसे जमा करते हैं, वो खुद चीनी इस्तेमाल नहीं करते, और वो जमा करते हैं कि जब ये अरबईन पे जब ये लोग वॉक जब आएंगे, उनके मेहमान आएंगे, तो हम उनको होस्ट करेंगे। तो आप देखें, वो आपको कहवे में ऐसे ऐसे चीनी भर भर के देते हैं, उन्होंने खुद नहीं ये होती, उनको होता है कि अब आप खुद सोचें, मैं किसी बंदे को नहीं जानती, मेरे घर के बाहर से कोई भी गुजरा हो, मैं क्यों अपना पेट काट के उसको फैसिलिटेट करूं। लेकिन वहां पे जो दर असल हकीकत में मौजज़ा ये कि आप किसी को नहीं जानते, मैं नहीं जानती वकार कौन है,
लेकिन वकार वहां पर आ रहे, तो मैं अपनी यहाँ से लोग जायदादें बेच के वहां पे जाके जो मौके बनाते हैं, मौके में आपको खाना सर्व किया जाता है, नमाज की बहुत जबरदस्त जगह दी जाती है, सोने की जगह, साफ बिस्तर, साफ तकिया, साफ प्लेट, नहाने के लिए वुजू की जगह। आपको पता है कि एक वहां पर एक जगह है मौका 1086 के बाद एक जगह आती है जो उन्होंने एक एक वॉशिंग होम बनाया, पाकिस्तानी मौके पे कि आप जाएं, आपने उनको अपने वॉशरूम में जाएं, वहां बंदा खड़ा होता है, आप उसको कपड़े दें अपने, आप जितनी देर में नहाएंगे वो देर में वॉश करके आपको इस्त्री करके आपके पास खड़ा कर देगा। क्या बात। अच्छा, और एक और चीज, ये तो वकार जब जाते हैं, वकार ने इसका तस्करा नहीं किया क्योंकि इनका अपना सलोन भी है, ये अपनी टीम लेके जाते हैं और वहां पे मैंने खुद ये देखा है, हमारी एक बड़ी बहुत बड़ी एंकर अरूज, जब आप वॉक करते हैं ना तो आपके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तो मेरे पाँव में भी छाले पड़, कुछ रिश्ते भी लग जाते हैं, तो मैं एक जगह पे गई तो वहां पे प्रॉपर आपको वो फैसिलिटी दे रहे थे, खवातीन अलहदा से होती हैं जो आपके पांव दबाने के लिए, और आपकी वहां पे मेडिकल टीम्स बैठी होती हैं जो आपके ऐसे बन जाए छाला वाला निकालने के लिए, साफ करने के लिए वो बैठी होती हैं, और ये तमाम तो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बल्कि वो आपके हाथ जोड़ के कह रहे थे हम आपके पाँव पे जो जूते पे गर्द लगी उसको हम साफ कर दें, तो वो मैंने उनको वहां पे देखा और मैंने कहा आप यहाँ पे क्या करिए, कि बस मैं खिदमत करने के लिए आई हूँ कि बाद में मैं अल्लाह से कह सकूँ कि देखो मैंने ये किया था, और फिर ये तो करते हैं, ये अपनी टीम लेके जाते हैं लोगों की खिदमत के लिए, मालिश करते हैं भाई, ये बैठ के, ये बैठ के, अब आप देखिए बेसिकली मोहब्बत क्या है जो आपको उनसे मिला रही है, तो ये कितना बड़ा मौजज़ा है, और वो सुकून में आपको नहीं बता सकता कि जो वो फील होता है वहाँ, वो सुकून सब कुछ करके, और आप जब उस वॉक में जाएंगे तो आप लोग हैरान होते हैं, जो दूसरे मजहब के भी लोग वहां पर होते हैं, Christian वो हैरान, हिंदू देखे, हिंदू सब, वो कहते हैं ये कौन लोग हैं, ये हैं कौन लोग जो आपके इतने छोटे छोटे बच्चे आपके पैरों में आपके हाथ जोड़ रहे हैं कि खजूर खा ले, खजूर लेके बच्चे दौड़ते पीछे, हाँ, इवन की आपको पता है वहां पर तरबियत है यार, वहां पर ये होता है कि जी आप अगर मोबाइल नहीं चार्ज हो पा रहे हैं कोई मसला है तो पावर बैंक लेके बच्चे घूम रहे होते हैं, जब जहां जाता चार पोल चलेंगे तो वो आपके पीछे कि आप टिश्यू पेपर्स और क्या पानी, तो खैर कभी कोई ऐसी चीज नहीं, पानी का मजा जो है ना, जो टेस्ट पानी का वहाँ पे है ना, कहीं नहीं, खालिद होटल के कमरों में हर जगह पानी खुला, ठंडा पानी, टब लगाए हुए जूते। मैंने मुर्शिद भाई से यही कहा था ना पहली दफा, मैंने कहा यार मुर्शिद भाई गर्मी में हम तो अभी हम अतराफे करबला घूम रहे हैं, और मैंने कहा एक लम्हे को हमें महसूस नहीं हुआ कि जूस पानी खाना, अब तो मैंने कहा कि यार अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी होगी। सही बात, वो देखिए वो पतली, लेकिन ये उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनको पता है कि जब जाहिर आ रहे हैं, जाहिर आ रहे हैं तो और उन्हें वो जगह ले ली खरीद के, आप प्यासे नहीं रहेंगे, नहीं आपको वहां पर तकलीफ नहीं, और इवन बहुत छोटी छोटी सी बातें आप कि जैसे मेरे पैर में बहुत शदीद पेन हुआ था, मैं वहाँ बैठा हुआ था मौला के रोजे पे, तो मैं तो आप सोचते थे कि मतलब यहाँ को दबाने थोड़ी आएगा, आप आराम से बैठे बातें कर रहे, मौला से मैं बातें कर रहा, चीजें कर रहा हूँ, ब्रावा वाला बंदा बैठे, मैं एकदम है लिया कि मतलब मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कहते जाहिर जाहिर। सो ऐसी हजारों वाकयात है, मैं तो अपनी बीवी को इस बात का क्रेडिट देता हूँ, उसने मुझे बहुत, हमने जाना है, हमारा बच्चा छोटा था उस वक्त, अब वो कहती है आपको तो मैंने एक दफा भेज दिया, आप खुद चले जाते हैं। मैं जब पहली बार गया ना करबला तो मौला अब्बास के रोजे में पहले जाते, तो हाँ ये आदाब है आपको, मैं आपको बताऊं वो जो दहशत थी ना कि मेरा तो ना पांव उठ रहा था ना सर उठ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या। अच्छा मैं देखता लोग कुछ चीजें अंदर के, मैं तो आंखें नहीं उठाई, मैंने मेरे हाथ में ऐसी एक अंगूठी थी बिल्कुल इसी जेड की, तो मैंने वो अंगूठी उतार के ना मैं अंदर डाल दी, मैंने कहा मौला मुझे ना मैं कुछ बोलूं ना मुझसे बोला जाए ना जबान में दम आए ना कुछ, यू नो इट वाज बहुत एक वो था। आप सोचे कि उसके बाद जब हम वहां से ये सब कुछ हो गया, फिर हम एक हफ्ते बाद वहां से हमने नजफ जाना था, तो मूसा भाई ने कहा कि आओ हम पीछे से तबरुकात ले लेते, अब वो देख रहे हैं, मैंने वेडिंग रिंग तो पहना था, तो एक उनका तमीना ने बच्चों ने कि अंगूठी लेने ले, एक आदमी दूर से आश्रम मुझे ऐसे बुलाया, आगा आगा, मैंने कहा हाँ, उसने ये अंगूठी मुझे दी जो जेड की है ये, मैंने कहा क्या, और उसने कुछ मुझे बोला कि मतलब तुम्हारी वहाँ गिर गई थी तो तुमने दी थी, मैंने कहा है वही पत्थर,
उसने मुझे दे दिया, मैंने कहा वाह वाह। ऐसे वहाँ पर इतनी सारी चीजें होती हैं जो अनबिलीवेबल। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ये इतने प्यारे वाकयात हैं, आप खुद भी मुझे लगता है आप उस वापस चले जाते हैं उस टाइम में। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और इतना क्योंकि आज का खूबसूरत टॉपिक है, और जैसे हमने बात की कि जब ज़ियारत पे जाने वाले शख्स ज़रूरी नहीं कि वो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। आपने देखा है कि आशूरे पे तो स्पेसिफिकली एक दिन जो होता भी है कि उसमें जो क्रिश्चियंस जो हैं वो भी आते हैं ऑनर करने के लिए आते हैं और मोहब्बत का अपना इजहार करने के लिए आते हैं। शहरी में ईसाई थे, हिंदू थे, अगर हम बिल्कुल जी कितने नाम से मौजूद हैं। और उसके बाद आपको अरबईन की जेलों की वॉक में भी नजर आएंगे। मैंने खुद एक बार किसी बड़े मुल्क के पोप आए हुए थे और फिर उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस साल पे, तो वो भी आए हुए थे वो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। वो भी काफ़ी उनकी ज़्यादा उम्र थी और वो वॉक कर रहे थे। बड़े क्रिश्चियंस, बड़े हिंदू, सब, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मुसलमानों का हक है, वो तो है ही नहीं। तो प्रॉपर मॉकअप भी है, प्रॉपर मॉकअप भी बनाया हुआ है। जी जी, तो उन्होंने प्रॉपर उनको उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए मौके बनाया हुआ है। लेकिन है ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और इस रियलिटी की जो बेस है वो फिर वही बात है कि इंसानियत है। अभी जितने जिक्र हुए ये ऐसे वाकयात हैं कि इंसान अशबार रहे कि इनके एकदम किसी ने पाँव पकड़ लिया आपका पाँव। मैंने ऐसे ऐसे वाकयात वहाँ से मेरे पास हैं कि छोटे छोटे बच्चे पाँव गीले कपड़ों से साफ कर रहे होते हैं, मिट्टी साफ कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये डॉक्टर्स खवातीन जो है ना, जो वहाँ की मुकामी खवातीन है वो खड़ी होती हैं कि जो बॉय वॉक पे चल रहे हैं इनके पैरों की मिट्टी दे दें। बर्तरी की तरफ इंसान का सफर है, इंसान पैदा क्यों हुआ है, बदतरी से बर्तरी की तरफ जाने के लिए। दिस इज ये है फॉर्मूला। अगर पूछो भाई इंसानियत क्यों है, तो ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि भाई ठीक है बस जिंदगी गुजार के मर जाने का नाम है, ऐसा नहीं है। हमारे सोच हमारे फिक्र में ऐसा नहीं है, मुसलमान में, मोमिनीन में। मोमिनीन में जब कहता हूँ इसका मतलब होता है अल्लाह को वो मानने वाला जो हक और बातिल में डिफ्रेंशिएट करना जानता है, वो मेरा नजर में मोमिन है, वो किसी भी मसनक से हो। तो जब ये सफर बदतरी से बरतरी की तरफ है तो उसमें हर वो चीज शामिल है जो इंसान को बेहतर करती है। अब आप देखें मुहर्रम हो, रमजान हो, या खास तौर पे ज़ियारत करबला हो, ज़ियारत ईरान इराक हो, जब आप जाते हैं वहाँ और आप हज पे जाते हैं तो ये पूरा सफर आपको दूसरों की टेक केयर करने की सेंस देता है कि लोगों की खदमत करें। और ये क्या सेंस है पीछे से कि अल्लाह चाहता है कि दूसरों का ख्याल किया जाए, इसलिए इंसानियत है ना। उससे बेहतर असल मजहब तो यही है, इंसानियत है।